Welcome everyone, welcome to our YouTube channel, and in this video we will discuss about class 10 geography chapter 6, that is manufacturing industries. So देखिए हम manufacturing industries को start करने वाले हैं, तो आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को, ओके, बिकॉज मोस्टली सब्जेक्ट की वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को. अगर आप देखें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट. देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि गुड्स जो हैं उनको अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, उनको रॉ मटेरियल मींस वो कच्चा माल था, ठीक है, कच्चा सामान था, उसको हमने एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया. दिस प्रोसेस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. क्या बोलेंगे भाई इसको, हम इसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जिस टाइम हम कच्चे माल को एक वैल्यूएबल पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे हमारे पास पेपर मैन्युफैक्चर होता है वुड से, शुगर शुगर केन से, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. एल्यूमिनियम कहां से मिलता भी हमें, बॉक्साइट से. तो इस प्रकार से हम देखते हैं पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज. सेकेंडरी एक्टिविटीज हम पढ़ने वाले हैं बिकॉज इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर. हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसीलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में. ये क्या करते हैं, प्राइमरी मटीरियल जो प्राइमरी सेक्टर से मटीरियल मिलता है उनको कन्वर्ट करते हैं और एक फिनिश्ड गुड ये प्रोवाइड करते हैं. ओके, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. देखिए किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पता करनी है तो आप वहां पर देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी ज्यादा डेवलप हैं, ठीक है, कितनी ज्यादा वो डेवलप हैं. इससे हमें पता लग जाएगा कि कितनी वो डेवलप्ड देश है. अभी इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, क्यों ना हम सिर्फ एग्रीकल्चर करें, क्यों ना सिर्फ हम सर्विस सेक्टर करें, हमारे पास बेनिफिट क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, लेट्स सी. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये बैकबोन माना जाता है डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर. ये देखिए बैकबोन ये माना जाता है डेवलपमेंट का, देश की डेवलपमेंट का बैकबोन है. रीजन, इसके रीजंस देखिए, ये सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करता, उसके साथ साथ ये हमारा बैकबोन है इकोनॉमी का. ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के साथ साथ ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का और लोग इस पर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं, बिकॉज हम देखिए हमारा सारा सामान घर पर नहीं बना सकते, ठीक है ना, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्री के अंदर. अगला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए अगर बेरोजगारी हटानी है, ठीक है भाई, बेरोजगारी अगर हटानी है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी वर्कर्स वहां पर काम कर पाएंगे और वो अलग अलग एरिया में अपने स्किल डेवलप भी कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से रिलेटेड लोग हैं वो काम कर पाएंगे, जो लोग जिनको गाड़ी वगैरह में काम करना आता है तो वो भी यहाँ पर काम अपना ढूंढ सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में नहीं है. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड. देखिए जैसे जैसे हमारा ये मैन्युफैक्चर्ड गुड है इसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, बिकॉज हम जितना ज्यादा बनाएंगे, जैसे चाइना करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सामान बनाकर पूरे दुनिया में इसको बेचता है और आज देखिए कितना बड़ा एक सुपर पावर है. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड हाई वैल्यू आर प्रोस्पेरस. देखिए जो भी कंट्री उनके जो मटेरियल होते हैं उस देश में उसको जितना ज्यादा वैल्यूएबल वो बनाएंगे और वैरायटी में, ऐसे नहीं कि एक ही सामान वो बना रहे हैं उसको ही बेच रहे हैं, ऐसा नहीं. मान लीजिए बहुत सारे वो आइटम बना रहे हैं और उनको अलग अलग वैल्यूएबल प्रकार से, तो वो ज्यादा प्रोस्पेरस होगी, ठीक है. तो इंडिया भी इसी पर डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई करती है. अभी देखिए दूसरी बात, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री नॉट एक्सक्लूसिव, अलग अलग नहीं है ये दोनों, इंटरलिंक्ड है ये दोनों, अपने एक साथ चलते हैं बिल्कुल, ठीक है. फॉर इंस्टेंस देखिए एग्रो इंडस्ट्रीज जो हमारी होती है, ध्यान दीजिएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, जहां से हम एग्रीकल्चर से हमारा रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, वो डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरिंग पे. कैसे भाई, उनको चाहिए इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पीवीसी पाइप, मशीन एक्सेट्रा. ये सब चीजें कहां से बनेगी, ये सब चीजें बनेंगी इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, हम खुद से तो बनाएंगे नहीं इसको, इंडस्ट्रीज में बनेंगी. तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. प्रेजेंट डे की बात करते हैं, जो आज के टाइम ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है, देखिए कि आजकल कंट्री टू कंट्री सब जुड़े हुए हैं, फोर्थ कंट्री, ऐसे चार कंट्रीज, पांच कंट्रीज सब आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट आज के टाइम पर रहता है दुनिया में. तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा एफिशिएंट, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपिटिटिव होना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम कंपिटिटिव नहीं है, बिकॉज चाइना देखिए बहुत ज्यादा कंपिटिटिव है, उसका सामान सस्ता भी है, ठीक है, तो इसलिए हमें इस चीज पर जोर देना होगा कि यस हम ऐसा करें कि कंपिटिटिव रेट भी हमारा कम हो, सामान हमारा कम रेट का हो और अच्छा हो. उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा और इंडिया अपने आप ही डेवलप हो जाएगा. अभी लेट्स सी, देखते हैं इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल इकोनॉमी में. इंडिया की बात करते हैं कि ये जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है.
देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग 17% पर है जीडीपी, जिसमें से टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग क्वेरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर सिंपल शब्दों में इन्होंने ये बताया है, देखिए 17% ऑफ जीडीपी ये हमारा योगदान देता है 17%, और इसमें से 27% हमारा इंडस्ट्री है, बाकी 10% जो है माइनिंग क्वेरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। ओके, और ये बहुत ही कम है ईस्ट एशिया इकोनॉमी हमारी, जो देखिए इंडिया है ये, इधर जाएंगे तो ईस्ट एशिया आएगा हमारा, ठीक है ना, जैसे हमारा इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है एक्सेट्रा, तो इनसे भी हमारा ये कम है योगदान। तो आप देख सकते हैं जरूरी है हमें इन चीजों को बढ़ावा देना। वेयर इट इज, जहां पर ये 25 से 35% तक मिल जाएगा, हमारा सिर्फ 17% है यहाँ पर। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12% सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग। देखिए ये बोल रहे हैं 2003 के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हुआ है धीरे धीरे, तो इसके लिए एक संस्था भी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज के टाइम पर इसका बहुत काम है, बिकॉज ये कोरोना वायरस जो चल रहा है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है इसका नाम याद करना, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल। सो लेट्स सी इंडस्ट्रियल लोकेशन, अब बात आती है कि इंडस्ट्री कहाँ होनी चाहिए, क्या उसका सेटअप होना चाहिए, लेट्स सी। देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि भाई हम कहाँ पर एक अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें, ठीक है भाई, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, ठीक है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, वहां पर अवेलेबिलिटी हो, रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, कैपिटल हो, पावर हो, बिजली वगैरह, मार्केट हो, तभी तो। मान लीजिए मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं है, इन्होंने काफी 500 किलोमीटर दूर बना दिया रॉ मटेरियल से, तो इतना तो ट्रांसपोर्ट का खर्च हो जाएगा, लेबर नहीं है तो काम करने वाले काफी दूर से नहीं आ सकते, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, रुपए नहीं होंगे तो कैसे लगाएंगे अपना फैक्ट्री, पावर, पावर सप्लाई नहीं है तो फैक्ट्री चलेगा ही कैसे, प्लस मार्केट नहीं है तो सामान नजदीक में बेच कैसे पाएंगे, ठीक है ना। जब तक सामान नजदीक में नहीं बिकेगा सो आप जानते हैं तब तक दूर दराज में आप नहीं बेच पाएंगे। ओके, आगे देखते हैं, लेट्स सी। अगला जो टॉपिक हम आगे देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस, इसलिए इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए बहुत ही मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस ढूंढना पड़ेगा। ओके, जहां पर उसकी कम से कम कॉस्ट लगे और ज्यादा से ज्यादा वो सामान बना सके और बेच सके। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हाथों हाथ चलता है। आपने देखा होगा बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पर पहले इंडस्ट्री लगी होगी, फिर उसके बाद वो अर्बन एरिया बना होगा और अर्बनाइजेशन उसका स्टार्ट हो गया होगा। बिकॉज सिटी में क्या होता है, सिटी में बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, सब कुछ आपको शहर में मिल जाते हैं जो गाँव में आपको नहीं मिलते। तो इन सबको मिलाकर ये क्या बोला जाएगा, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, ठीक है, कि भाई अर्बन सेंटर में जो एडवांटेज मिल रही है उसके एडवांटेज उठाते हुए हम इंडस्ट्री वहां पर सेटअप करें, तो इन इकोनॉमीज को क्या बोला जाता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। लेट्स सी, प्री इंडिपेंडेंस यानी 1947 से पहले, आजादी से पहले इंडस्ट्रीज कहां पर होती थी, मोस्टली मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या ज्यादा से ज्यादा आगरा, दिल्ली, यहीं पर होती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे पॉकेट बनने लगे जिनके आसपास एग्रीकल्चर गांव वगैरह होते थे, उनके बीच में फैक्ट्रीज लगने लगी और वो गांव क्या बन गए, शहर। जैसे आप देख सकते हैं गुड़गांव है और भी अपने टाटा नगर है, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे शहर ऐसे मिल जाएंगे। अभी देखिए इंडस्ट्री का मार्केट के साथ क्या लिंक है, देखिए रॉ मटेरियल आएगा, उसके लिए चाहिए ट्रांसपोर्ट, क्या चाहिए भाई, ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट जाएगा सामान लेकर कहाँ पर, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जाएगा, वहां से आउटपुट, फिर से ट्रांसपोर्ट चाहिए, फिर से ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा, मार्केट में वापस, एंड मार्केट से वही मनी। देखिए रॉ मटेरियल के लिए मनी देना पड़ेगा मार्केट में, इनको सामान खरीदना है तो रुपए देने पड़ेंगे, दूसरी बात मार्केट में जाएगा तो इनको क्या मिलेंगे, रुपए वापस से मिलेंगे, ठीक है ना। दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में इसको सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। इट मीन्स, लेट मी टेल यू, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने सामान खरीदा है 100 1 लाख रुपए का, ठीक है, अब वो 1 लाख का सामान बेच रहे हैं मार्केट में 2 लाख का, ठीक है, जिसमें से 1 लाख ये सैलरी के तौर पर देंगे, 1 लाख प्रॉफिट है बैंक में जमा होगा, तो ये घूम फिर के वही ऐसे ही घूमता रहता है, ठीक है, जब तक प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता। अगला है लोकेशन कैसे चूज करें, कैसे लोकेशन हम चूज कर सकते हैं किसी भी फैक्ट्री के लिए, दैट इज वहां पर रॉ मटेरियल हो, वहां पर कॉस्ट सबसे कम लगे बनाने के लिए, ज्यादा रुपए ना लगे उनके, ओके, एंड फिर कॉस्ट उसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी कम हो, ये ना हो कि बना तो हमने 5 रुपए का लिया, वो एक चीज है, लेकिन उसको भेजने में हमें 50 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, सो ऐसा ना हो, वो भी कॉस्ट कम हो। लेट्स सी, अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ज्यादातर आता है,
ये है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। भाई इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है दैट इज रॉ मटेरियल के हिसाब से, जो कच्चा माल होता है उसके हिसाब से। ये हमारे पास है दो टाइप की, एग्रीकल्चर के हिसाब से, सेकंड मिनरल्स, मिनरल्स जो हमारे मिलते हैं उनके हिसाब से, ठीक है ना। सो देखिए एग्रो बेस्ड में आएगा कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर एक्सेट्रा, ये जितने भी हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है वहां से। अगला है मिनरल बेस्ड, मिनरल बेस्ड में आप देख सकते हैं जो भी मिनरल होंगे, आयरन, स्टील है, एल्यूमिनियम है, मशीन के टूल्स है एक्सेट्रा, इनमें हमें मिल सकता है। अगला है उनके मेन रोल के हिसाब से, भाई हमने कोई फैक्ट्री लगा दी तो उस फैक्ट्री, उस इंडस्ट्री का काम क्या है, मेन रोल क्या है, तो इसमें होगा बेसिक के लिए, भाई बेसिक नीड वो हमारी पूरी करेगी, जैसे है आयरन स्टील बनाना, एल्यूमिनियम बनाना, बस नॉर्मल सा कोई वो चीज अलग से नहीं बन रही जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसी चीज बना के देंगे जो बेसिक है, आगे आने वाली इंडस्ट्रीज में काम आएगी। जैसे आयरन की एक प्लेट बना के दे दी उन्होंने, मींस चादर लंबी, तो उस आयरन की जो लंबी परत होगी उसको हम यूज करेंगे कार में, या फिर मान लीजिए किसी और गेट वगैरह में, वहां पर यूज कर सकते हैं। सेकंड होता है कंज्यूमर बेस्ड, भैया जैसे शुगर है, चीनी पैक करती है, टूथपेस्ट बनाया, हमारा पेपर है, स्विंग मशीन है, फैंस है, तो इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर के हिसाब से जो ये फैक्ट्रीज हैं। आगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मीन कितने रुपए वहां पर खर्च किए उसने फैक्ट्री सेटअप करने में, ये होगी हमारी स्मॉल से लेकर लार्ज साइज तक हो सकती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ये लिमिट्स क्या है, देखिए धीरे धीरे चेंज होती रहती है, बिकॉज कई बार 1 करोड़ लिमिट कर दी, हो सकता है 5 करोड़ लिमिट कर दी जाए स्मॉल की, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आपको मीडियम इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, लार्ज इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है स्मॉल के साथ, ठीक है, तीन आ जाती है। आगे ओनरशिप, मीन्स उसका मालिक कौन है उस फैक्ट्री का, एक होती है पब्लिक जो सरकारी होती है, जैसे बेल सेल एक्सेट्रा, एक होती है प्राइवेट जिसमें प्राइवेट फैक्ट्री जो कंपनीज अपना सेटअप करती है, जैसे टिस्को है, टाटा की, बजाज है, डाबर इंडस्ट्रीज है। एक होती है जॉइंट, जॉइंट के अंदर देखिए क्या होता है, जॉइंट के अंदर स्टेट भी और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कभी हम फैक्ट्री लगाया उसके अंदर मान लीजिए पब्लिक सरकारी प्लस रिलायंस, ये प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर क्या करती है, एक फैक्ट्री खोलती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये हो सकते हैं ऐसे जॉइंट भी। फिर आता है कोऑपरेटिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव क्या होता है, इसको ऑपरेट करने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं, मीन्स एक ग्रुप होता है जो इनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा जो अमूल का ये दूध आता है, या फिर कहें तो कोयर इंडस्ट्री केरल में है, शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है, ये सब लोग मिलकर यहाँ पर इसको कम्प्लीटली कंट्रोल करते हैं। अब लास्ट में आता है कि फिनिश्ड गुड कैसा है, जो उन्होंने बनाया है तो वो कैसा सामान वो बना रहे हैं उसके हिसाब से। एक तो हैवी सामान बना रहे हैं जैसे आयरन स्टील, एक लाइट वेट जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं, बल्ब है एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद करेंगे, इनके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इनमें से वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है भाई। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। यहां पर देखिए हमने एग्जांपल देखे थे, कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूलन एक्सेट्रा, ये हमारे एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स कहे जाते हैं। तो इनमें से हम स्टार्ट करते हैं एक टाइप की इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत ही यूनिक है, बिकॉज अगर हम ब्रिटिश टाइम पर जाएं तो भी हम टेक्सटाइल के लिए जाने जाते थे, ठीक है। इसीलिए लगभग ये मान लीजिए 14% ही कंट्रीब्यूट करता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14% तक है पूरे इंडिया में, जो कि बहुत ज्यादा है। तो देखिए अब इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट कितने लोग ले हुए हैं, लगभग 3 करोड़, 3.5 करोड़ के आसपास लोग इसमें एम्प्लॉयड है, बहुत ज्यादा है। और एग्रीकल्चर के बाद, खेती करने के बाद सेकंड पे टेक्सटाइल ही आता है, ठीक है। एग्रो बेस्ड तो आपने पढ़ लिया भैया, कॉटन हमारे बनाना, लेकिन इसके बाद जो सेकंड इंडस्ट्री हमारा वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन इसका, 4%। और ये अकेला ऐसा इंडस्ट्री है पूरी कंट्री का जो खुद से ही चलता है, कंप्लीट वैल्यू चेन है इसका, रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट ये बनाता है। कपड़े बहुत अच्छे बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कपड़े कैसे बनते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए फाइबर होगा, फाइबर से स्पिनिंग किया जाएगा, यान धागा बनेगा, उसको वीव करके फैब्रिक डाई वगैरह करना, उस पर कलर चढ़ाना, लास्ट में हमें गारमेंट एक क्लोथ मिल जाएगा, उसको मार्केट में हम बेच सकते हैं। अभी टेक्सटाइल में देखिए कॉटन टेक्सटाइल एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे यहाँ पर। एंशियंट टाइम में आप जानते हैं कि हमारा हैंड स्पिनिंग होता था, हाथों से बुनाई जाती थी, ये पावर लूम्स आए धीरे धीरे, फिर हमारे पास कुछ इंजन भी आए, तो इनकी हेल्प से हम ये करने लगे और हमारा ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बढ़ता गया। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इज पहला जो हमारा टेक्सटाइल ये मिल आया कॉटन का, वो आया मुंबई में, ठीक है भाई,
कहां पे आया, मुंबई में कब आया, 1854 के अंदर ये आया था। अब लेकिन दो लड़ाइयों की वजह से क्या है, ये हमारा जो कॉटन का व्यापार था कभी उतार चढ़ाव में आता गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, ऐसे ग्राफ बनता गया। आज के टाइम पे देखिए नियरली 1600 कॉटन और ह्यूमन मेड मिल्स हैं हमारे, जो ह्यूमन मेड फाइबर हाथों से बनते हैं जो फाइबर कॉटन के लगभग 1600 है, ठीक है। इनमें से 18% प्राइवेट लोगों के हैं, बाकी 20% आप मान सकते हैं जॉइंट या कोऑपरेटिव या सरकारी है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, देखिए कॉटन टेक्सटाइल कहां पर बनी थी, महाराष्ट्र या गुजरात में बनती थी। रीजन बिकॉज यहाँ पर क्या है, ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल है ना यहाँ पर, इजीलिए। तो अवेलेबिलिटी यहाँ पर क्यों बनती थी, इंडस्ट्रीज, पहला रीजन यहाँ पर रॉ मटेरियल था, मार्केट था अच्छा, लेबर था, क्लाइमेट भी अच्छा था, ठीक है, एंड सॉइल तो था ही, तो इसीलिए, ठीक है, इजीलिए यहाँ पर ये बनती थी। इंडस्ट्री क्या करती है, अब जहां पर इंडस्ट्री बनती है वो डिमांड क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर अगर कोई मॉल खुल जाए या इंडस्ट्री बन जाए तो हमारा, हम इच्छुक होंगे कि क्यों ना हम भी यहाँ से कपड़े खरीद के देखें, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, देखिए उनका व्यापार ऐसे करके बढ़ जाता है। अब देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में तो है स्पिनिंग बहुत ज्यादा अभी भी, बट अब डिजाइन वगैरह है जो कॉटन की है, सिल्क, जरी है, एम्ब्रॉयडरी है। अब इंडिया जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करता है स्पिनिंग की, ओके, लेकिन वीविंग जो है हमारा अभी भी लो क्वालिटी फैब्रिक है, ओके, अभी इतना ज्यादा हाई क्वालिटी है नहीं हुआ है। हैंडस्पन खादी जो है बहुत ज्यादा किया जाता है होम्स में, गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था जो ये वीविंग था खादी का, इसीलिए, ओके। अभी देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंड लूम। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बोल रहा है कि हमारे लिए जरूरी क्यों है कि मिल सेक्टर उसमें लूमेज कम रखें देन पावर लूम एंड हैंड लूम। इट मीन्स अभी हम पढ़ेंगे, देखिए इंडिया एक्सपोर्ट करता है धागे कहाँ पर भाई, जापान में, और इंपोर्ट करता है कॉटन के सामान कहाँ से भाई, यूएसए, यूके, सॉरी, और बाकी जो लोग इंपोर्ट करते हैं इंडिया से वो है यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और नेपाल, सिंगापुर। देखिए कितने सारे देश कॉटन का सामान हमसे बोरो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बोरो नहीं कहेंगे, इंपोर्ट कहेंगे। सो इंडिया बन जाता है सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी का, जिसके अंदर स्पिंडल बनाने का सेकंड लार्जेस्ट इंडिया है वर्ल्ड में, ठीक है। स्पिंडल सबसे ज्यादा कहां पर बनते हैं, चाइना में, सेकंड पे है इंडिया, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन अगर अच्छा हो तो हम इंडिया को, सॉरी, हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे, इसलिए हमें बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। देखिए यहाँ पर बोला भी गया है इसको, अटेंशन की जरूरत है। तो हम वर्ल्ड ट्रेड में देखिए बहुत ज्यादा योगदान तो है ही हमारा, बस जरूरत क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर नजर रखना और थोड़ा सा इसको अटेंशन देना कि हम इसमें ग्रोथ ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आगे है वाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इंप्रूव करें वीविंग सेक्टर को हमारे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा हम यार्न को एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है भाई। ऑल तो देखिए अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे सो देखिए ये बोल रहा है कि गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन, द नीड टू इंपोर्ट इज स्टिल फेल्ट। देखिए हमारे पास जो कॉटन है वो ज्यादा कई कई अच्छी नहीं है, इसलिए हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है धागे बनाने के लिए। पावर सप्लाई हमारे यहाँ इतनी प्रॉपर नहीं रहती, आप जानते हैं लेबर और स्टिफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर रहता है। तो सबसे पहले इनमें से एक इंडस्ट्री पढ़ते हैं, दैट इज एग्रो बेस्ड में जूट टेक्सटाइल, जूट का जहां पर सामान बनता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रो जूट का, कच्चे जूट का, और जूट के गुड्स का सेकंड प्लेस है बांग्लादेश के बाद, डेफिनेटली, ठीक है, बांग्लादेश के बाद सेकंड पे हम सामान बनाते हैं जूट का। नियरली 70 जूट मिल्स हैं इंडिया में, मोस्टली वेस्ट बंगाल के पास लोकेटेड है, ठीक है। बैंक कौन सा होगा, डेफिनेटली ये होगा बैंक हुगली नदी का, हुगली नदी का है बंगाल में इसीलिए। और पहला जूट मिल कब आया, 1859 आया कलकत्ता के अंदर, और 1854 में पहला कॉटन मिल ये आया था, ठीक है। आगे देखते हैं पार्टीशन के बाद क्या होता है, नियरली 3/4 जो है बांग्लादेश में चले गए थे इसलिए वो आगे है डेफिनेटली, बट यस हम भी निकल सकते हैं आगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फैक्टर क्या क्या चाहिए होते हैं हुगली बेसिन पे, देखिए वहां पर जूट प्रोडक्शन एरिया अच्छा है, पानी है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईजी है, रेलवे भी है, रोडवेज, वाटरवेज सब कुछ फैसिलिटी है, चीप लेबर है, तो यहाँ पर बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से लेबर ले सकता है ये। और कलकत्ता आप जानते हैं कितना पुराना शहर है, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस सब कुछ है, इसीलिए यहाँ पर जूट मिल सबसे ज्यादा आपको इंडिया में मिल जाएंगे, ठीक है। जूट इंडस्ट्री में देखिए लगभग 2.5 लाख से, और छोटे छोटे अगर जोड़े तो 40 लाख तक वर्कर काम करते हैं। चैलेंज क्या है यहाँ पर कि इंटरनेशनल मार्केट में चैलेंज क्या आ रहा है, हमारे कंपटीटर है बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, ठीक है। लेकिन कुछ हमें पॉलिसीज बनानी होंगी, जैसे नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी 2005 में, सो दैट हम इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें क्वालिटी को, और हम आगे निकल जाएंगे। हमारे लिए मेन मार्केट है जहां पर हम हमारा जूट का सामान बेचते हैं वो है यूएसए, कनाडा, रशिया, UAE, UK, ऑस्ट्रेलिया, तो आप ये याद रखिएगा कहाँ पर हम बेचते हैं सामान। नेक्स्ट इंडस्ट्री जो एग्रो बेस्ड है वो है शुगर इंडस्ट्री, इसमें भी हम सेकंड है, ठीक है, और शुगर को प्रोड्यूस करने में। लेकिन गुड़ और
खांडसारी बनाने में हम नंबर वन है भाई, ठीक है ये बात याद रखिएगा। शुगर को बनाने में सेकंड, गुड़ और खांडसारी को बनाने में हमें फर्स्ट पे, ठीक है। अभी देखिए ये बहुत ही बल्कि यहाँ पर इंडस्ट्री रहता है, काफी बड़ी बड़ी मशीनरी लगती है यहाँ पर। नियरली 460 शुगर मिल है जो हमारे नॉर्दर्न एरिया में मिल जाएंगे, कुछ साउथ में है, ठीक है, पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। इनमें से 60% मील जो है आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में, रीजन बींग यहाँ पर क्या है, सीजनल एक क्रॉप है, इसीलिए लेबर मिल जाती है इस एरिया में बिहार और उत्तर प्रदेश में। रिसेंट टाइम में क्या हुआ है, इन्होंने वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स पे थोड़ा फोकस किया है, महाराष्ट्र वगैरह तक भी ये मिल गए हैं इसीलिए। और कुछ चैलेंजेस क्या है इसके लिए भी, ये बहुत ही ओल्ड फैशन इंडस्ट्री हो सकी है, पुराने तरीके से शुगर बनाई जाती है, ओके, और केन वगैरह का इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है आज के टाइम पर, ठीक है, किसानों को नुकसान पहुंचा होता है आप जानते हैं खेती बाड़ी में वेरियस रीजंस की वजह से इसीलिए। सो यस, दिस इज अवर पार्ट वन, आप इसको स्टडी कीजिए अच्छे से। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज और इन दिस वे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड यस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर करें इसको जितना हो सके उतना पॉसिबल। सो थैंक यू एवरीवन।